हेलो गाइस, वेलकम टू सर्किट इफेक्ट। तो चलिए फ्रेंड, आज का जो हमारा वीडियो है ये डिजिटल घड़ी का पूरा कंप्लीट वीडियो है, जिसमें मैं आपको सर्किट डायग्राम समझा के दिखा रहा हूँ और इसमें एक एक्स्ट्रा बैटरी यहाँ पे जो लगाने के लिए दिखा रहा हूँ, जो कि आरटीसी मॉड्यूल में लगा रहता है। बट यहाँ पे क्या हो रहा था कि आरटीसी मॉड्यूल का बैटरी जो है इस आईसी को भी ड्राइव कर रहा था और प्लस में यहाँ से डायरेक्टली शॉर्ट होकर इस पिक्सल एलईडी को भी ड्राइव कर रहा था, जिससे हो क्या रहा था फ्रेंड कि ये जो बैटरी डाउन हो जा रहा था और हमारा जो टाइम है हमेशा के लिए रिसेट हो जा रहा था। तो आज मैं जो बताऊंगा फ्रेंड, ये टाइम आपका कभी रिसेट नहीं होगा फ्रेंड। तो कुछ इस तरीके से कनेक्शन करके आप इजीली अपना टाइम को रिसेट नहीं करा पाएंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पे जो पहले मैं यूज कर रहा हूँ एक छोटा सा 5 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई बोल सकते हैं या मोबाइल का चार्जर बोल सकते हैं। फिलहाल मैं मोबाइल का चार्जर का ही यूज कर रहा हूँ फ्रेंड। तो आपको प्रॉपरली असेंबल करने के बाद यहाँ पर जो सारा चीज़ का कनेक्शन मैं बता देता हूँ। सिंपल मैं कनेक्शन यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर एक चार्जिंग मॉड्यूल यूज किया 40-56 या छोटा सा चार्जिंग मॉड्यूल है, कोई भी चार्जिंग मॉड्यूल यहाँ पर लगा सकते हैं जो कि इस लिथियम बैटरी को चार्ज करें। चार्जिंग मॉड्यूल नहीं लगाएंगे तो आपका जो ओवर बैटरी चार्ज होगा और आपका बैटरी ख़राब हो सकता है फ्रेंड। तो यहाँ पर डायोड भी यूज कर सकते हैं अगर कुछ नहीं है तो, लेकिन डायोड यूज करने से आपका बैटरी ख़राब होता है फ्रेंड। तो यहाँ पे चार्जिंग मॉड्यूल यूज करेंगे, चार्जिंग मॉड्यूल में से डायरेक्टली बैटरी का कनेक्ट कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे माइनस प्लस को करते हुए यहाँ पे कनेक्ट कर दिया हूँ और इस प्लस पॉइंट से लेके इस प्लस पॉइंट में हमने कनेक्ट कर दिया हूँ, ताकि ये जो चार्जिंग मॉड्यूल के साथ ये हमारा बैटरी कनेक्ट हो गया फ्रेंड। अब यहाँ पर क्या किया फ्रेंड, इस पिक्सल एलईडी का प्लस पॉइंट है, इस प्लस पॉइंट को यहाँ एक डायोड लगा के इस पिक्सल एलईडी में कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन डायोड लगाएंगे तो बेहद ही अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा फ्रेंड। यहाँ से मेरा जो है पिक्सल एलईडी चलेगा। फिर नेगेटिव पॉइंट को जो है फ्रेंड चार्जर से भी ले सकते हैं या इससे भी ले सकते हैं, लेकिन हमारा डाटा लेने के लिए हम यहाँ से लेंगे फ्रेंड, ताकि हमारा जो सही से डाटा काम करे। तो यहाँ से मैं पिक्सल एलईडी के लिए माइनस पॉइंट को लिया हूँ, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे फ्रेंड। अब आती फ्रेंड हमारा जो आर्डिनो है, आर्डिनो के लिए भी प्लस पॉइंट यहाँ से ले लिया, आर्डिनो में 5 वोल्ट में जोड़ दिया, नेगेटिव पॉइंट का यहाँ पे ले लिया और यहाँ पे ग्राउंड में जोड़ दिया फ्रेंड। इससे हमारा आर्डिनो आईसी ड्राइव हो गया, चलने लगा। आर्डिनो से 5 वोल्ट लिया और आरटीसी मॉड्यूल में जोड़ दिया और नेगेटिव पॉइंट को इस चार्जिंग मॉड्यूल या आर्डिनो से भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ नेगेटिव पॉइंट को इस चार्जिंग मॉड्यूल के थ्रू यहाँ पर जोड़ा हूँ, तो आर्डिनो से नेगेटिव पॉइंट को ग्राउंड से ले सकते हैं फ्रेंड, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे ग्राउंड पिन एक सारे बटन में शॉर्ट कर दिया हूँ और बटन का जो भी पिन है यहाँ पे 5 नंबर पिन, 4 नंबर पिन, 3 नंबर पिन, ये तीनों पिन में अलग अलग बटन को मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, जैसे कि पहला पिन ये, दूसरा पिन ये, तीसरा पिन ये, तीनों बटन में कोई मिनट का कोई आवर का कोई मतलब, यहाँ इसमें से 2 ही बटन मुझे काम आता है फ्रेंड। तो आप अपना ट्राई करके देख लीजिएगा जब घड़ी बन जाएगा फ्रेंड। आप ये आते हैं पिक्सल एलईडी का डाटा, ग्रीन पिन को आपको जो डाटा पिन सेलेक्ट करेंगे, 6 नंबर है तो 6 नंबर में, तो हमारा जो है 6 नंबर में कनेक्ट है तो 6 नंबर में कनेक्ट कर देंगे फ्रेंड। सिंपल सा जो हमारा कोड है उस कोड में 6 नंबर पे ड्राइव किया हुआ फ्रेंड। आप आती है आरटीसी में एच डी ए, यहाँ पे वीसीसी हम लोग कनेक्ट किए थे और एच डी ए और एस सी एल फ्रेंड, यहाँ पे HDL और SCL ये 2 पॉइंट है जो है यहाँ पे, ये फाइव लेके यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और A4 लेके यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, जो कि BCC के बगल में 2 पॉइंट होता है और यहाँ पे 2 पॉइंट जो छूट जाएगा उस पॉइंट को यहाँ पे छोड़ देंगे फ्रेंड। सिंपल से ही 2 पॉइंट को इजीली कनेक्ट कर लेंगे, उसके बाद जो आपका घड़ी डिजिटल क्लॉक जो आपका काम करने लगेगा फ्रेंड। तो फ्रेंड, पहले वीडियो में आपने सारा चीज़ असेंबल करने का देख लिया था, लेकिन आज जो हमारा इसी टॉपिक पे सेकंड वीडियो है, जिसमें मैं कुछ कुछ चीज़ बताऊंगा जो कि आपका डिजिटल क्लॉक में आपका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो पहले मैंने वीडियो यहाँ पे सारा चीज़ असेंबल करके मैंने आपको दिखाया था, तो सारा चीज़ आपने देख लिया होगा, जो नहीं देखा जाके लिंक इन डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, हमारे चैनल पर जाके इसका कंप्लीट वीडियो को देख सकते हैं, जहाँ से सारा चीज़ इसमें कर पाएंगे फ्रेंड। और आज इस वीडियो में जो बताऊंगा जो कि प्रॉब्लम के बारे में, उसी चीज़ के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड, जो चैनल पर न्यू है फ्रेंड, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर जो प्लस वाली वायर है ये चार्जर का, यहाँ पे एक छोटा सा हमने डायोड यूज कर रहा हूँ, लेकिन अगर चार्जिंग मॉड्यूल नहीं यूज करेंगे तो डायोड यूज करना पड़ेगा, और नहीं डायोड लगाएंगे फिर भी चलेगा,
लेकिन हमारे पास जो सर्किट डायग्राम मैं आपको समझा सेम उसी तरीके से आपको करना, डायोड को भी यूज कर लेना सही रहेगा फ्रेंड। तो मैं चार्जर के बाद एक डायोड यूज कर रहा हूँ, डायोड के बाद ही यहाँ पे जो है पावर दे रहा हूँ यहाँ पे जो है सर्किट बोर्ड को, और डायोड के बाद ही मैं यहाँ पे बैटरी यूज करूँगा और एक चार्जिंग मॉड्यूल। तो यहाँ पे डायोड जो है हमारे लिए, यहाँ पे डायोड जो है थोड़ा सा कॉमन है, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मिस्टेक किया हूँ फ्रेंड, मिस्टेक मुझे नज़र आ गया इसलिए मैं आपको बता दिया हूँ, लेकिन सर्किट डायग्राम में आपके लिए सुधार कर दिए, जो कि सर्किट डायग्राम आपको आपको जैसा बताया हूँ वैसा ही आपको करना है फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड, हमारा जो है प्लस को प्लस में मैंने लगा दिया पिक्सल एलईडी, और ये हमारा पिक्सल एलईडी का है और चार्जर का है। तो पिक्सल एलईडी का प्लस पॉइंट और चार्जर का प्लस पॉइंट, यहाँ पे करेक्शन हमने कर लिया हूँ फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे पिक्सल एलईडी और दोनों का यहाँ पे कनेक्शन जोड़ लेंगे फ्रेंड, और इस डायोड में मैं जोड़ दे रहा हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे जो है फ्रेंड डायोड का कनेक्शन यहाँ पे थोड़ा सा मैंने अलग किया हूँ, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे एक चार्जर पिन भी लगाया हूँ जो कि यहाँ पे नीचे में दिख रहा है। इस चार्जर पिन के बारे में हमने वीडियो में या उसमें कोई जिक्र नहीं किया, वैसे भी लगाने का आपको ज़रूरत नहीं है फ्रेंड, लेकिन चार्जर यूज करना हो इसीलिए फ्रेंड, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, हमारा यहाँ पे लगभग कंप्लीट होने के बाद इसको बैक कर लेते हैं, थोड़ा सा हम लोग चेक कर रहे थे, और ये यह हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है ना फ्रेंड, बार बार यहाँ पे टाइम जो हमारा रिसेट हो जा रहा है किसी कारण बस, इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगा के आपके लिए अच्छी तरीके से एक चीज़ को मैंने यहाँ पे बनाया हूँ, उसी चीज़ को मैं यहाँ पे डिफाइन करने का कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जो फ्रेंड कभी भी आपका जो टाइम ख़राब ना हो, इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, ताकि आप आपका जो टाइम कभी गड़बड़ ना हो। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे 0:00 हो जा रही है, 0, और टाइम हमारा जब भी करते हैं 0:00 हो जाता है, और आरटीसी में जो बैटरी लगा रहता है उस बैटरी से भी पावर जो है पिक्सल एलईडी को चल जाता था, जिसके कारण से यहाँ पे जो है हमारा पिक्सल एलईडी में पावर जाने से हमारा जो बैटरी को डाउन कर दे रहा था, उसी कारण से ये हो जा रहा था। इसलिए यहाँ पे कुछ कुछ ट्रिक को मैं यूज कर रहा हूँ, जिससे कि आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो एक डायोड लगा सकते हैं जो कि आरटीसी का पावर जो है पिक्सल एलईडी में नहीं जाए, चार्जर से ही पिक्सल एलईडी को पावर जाए। तो चलिए, मैं डायग्राम में जैसा बताया हूँ सेम को वैसे ही करना। और यहाँ पे फ्रेंड एक छोटा सा मॉड्यूल है, चार्जिंग मॉड्यूल, जो कि लिथियम बैटरी प्रोटेक्शन के लिए यूज करूँगा, जो कि ओवर चार्ज ना करे बैटरी को, क्योंकि हमारा घड़ी जो है रात दिन लगे रहेगा इसमें, और प्रॉब्लम हो सकती है, बैटरी को विस्फोट भी हो सकता है ज़्यादा ओवर चार्ज होने से, तो ऐसा प्रॉब्लम ना हो इसीलिए मैं यहाँ पे। तो चलिए फ्रेंड, हमारा जो है चार्जिंग मॉड्यूल में बैटरी का प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे फ्रेंड, और यहाँ पे मैंने प्लस पॉइंट को कनेक्ट कर लिया हूँ, और नेगेटिव पॉइंट को भी यहाँ पे कनेक्ट कर लीजिएगा फ्रेंड। और हमारा जो है ये सारा चीज़ कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे आगे कनेक्शन और भी मैं बताता हूँ, पहले बैटरी का नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट को कनेक्ट कर लीजिए। तो चार्जिंग मॉड्यूल में मैंने बैटरी का नेगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट को मैंने कनेक्ट कर लिया हूँ, तो थोड़ा बहुत आपका सोल्डिंग करने में प्रॉब्लम हो सकता है, तो यहाँ पे आप अपना कनेक्शन कर लीजिएगा इजीली। और चलिए, यहाँ पे दो वायर को और कनेक्ट करेंगे, जो कि आउटपुट निकालेंगे, जिससे कि हमारा आरटीसी और आर्डिनो चलेगा। पिक्सल एलईडी इसमें से नहीं चलाना है फ्रेंड आपको कभी भी, क्योंकि ये बैटरी से पिक्सल एलईडी का लोड नहीं ले पाएगा, क्योंकि पिक्सल एलईडी को चलाने के लिए 5 वोल्ट की ज़रूरत होती है, तभी जाकर आपका ब्राइटनेस और क्वालिटी भी आपको मिलेगा फ्रेंड। तो चलिए, यहाँ पर बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पर जोड़ लेते हैं फ्रेंड। तो हमारा नेगेटिव भी जुड़ गया, पॉजिटिव भी हमारा यहाँ पे जुड़ गया फ्रेंड। तो इजीली बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पे जोड़ लीजिएगा फ्रेंड। जोड़ने के बाद आप यहाँ पे आरटीसी या आर्डिनो बोर्ड में नेगेटिव पॉइंट में जोड़िएगा, जिससे कि आरटीसी को भी नेगेटिव जाए और आर्डिनो को भी नेगेटिव जाए। तो हमने नेगेटिव पॉइंट में कनेक्ट किया हूँ मेन पावर के लिए, जो कि 5 वोल्ट यहाँ पर आती है फ्रेंड। तो उसी वोल्टेज 5 वोल्ट मैं आर्डिनो को दूंगा, जिससे कि आर्डिनो ड्राइव होगा। तो प्लस पॉइंट को भी यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे आपको पिक्सल एलईडी का प्लस पॉइंट इस बैटरी के साथ कनेक्शन नहीं करना फ्रेंड, जो कि डायग्राम भी आपको
बताया हूँ, डायग्राम में भी आपको समझा दिया हूँ फ्रेंड। तो चलिए यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा इसके साथ कनेक्शन हो गया है फ्रेंड। अब यहाँ पे फ्रेंड इसको चार्जिंग के लिए, चार्जिंग मतलब हमारा जो है सिम्पेस पावर सप्लाई या चार्जर बोल सकते हैं मोबाइल का, तो मैंने मोबाइल का चार्जर में कनेक्ट करूँगा। तो यहाँ से दो पॉइंट को निकाल लेंगे जो कि चार्जर के साथ यहाँ पे कनेक्शन होगा फ्रेंड। तो चलिए इसको कनेक्शन कर लेते हैं। बहुत ही इजी है कनेक्शन फ्रेंड, और बहुत ही आसान है डायग्राम को अगर समझ लीजिएगा तो फ्रेंड। और चलिए हमारा यहाँ पे कनेक्शन हो गया है, और चलिए इसको चार्जर के साथ कनेक्ट करेंगे। और इसको चार्जर और पिक्सल एलईडी की लाइट इसी के साथ आपका जो है फ्रेंड कनेक्ट होगा। तो फ्रेंड नेगेटिव पॉइंट को डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे जो कि नेगेटिव पॉइंट होगा फ्रेंड, बाकी प्लस वायर को यहाँ पे अलग से कनेक्ट करेंगे ताकि जो आपका चार्जर से ही प्लस वायर आ रहा है उसी चार्जर वाली पॉइंट में प्लस वायर को कनेक्ट करेंगे जो कि चार्जर से डायरेक्टली चार्जिंग मॉड्यूल को जाए और पिक्सल एलईडी को प्लस वायर जाए जो कि चार्जर के साथ हमने इसमें कनेक्शन किया हूँ, जो कि आपको साफ साफ नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं जो बता रहा हूँ सिंपल वही सही करना फ्रेंड डायग्राम की मदद से। तो चलिए फ्रेंड हमारा जो यहाँ पे लगभग कनेक्शन हो चुका है, और इसको यहाँ पे असेंबल कर लेते हैं और उसको भी ट्राई करके दिखाते हैं। यहाँ पे इसका जो है घड़ी का टाइमिंग कभी चेंज नहीं होगा फ्रेंड अब। तो चलिए सारा चीज़ को असेंबल कर लेते हैं फ्रेंड। और फ्रेंड ये वीडियो कैसा लगा लाइक एंड कमेंट, और जो इस चैनल पर न्यू है फ्रेंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पर मिलते रहते फ्रेंड, और मैं आपको ट्राई करके भी दिखाऊँगा। और फ्रेंड अगर इस चीज़ का और घड़ी का किसी को पार्ट्स चाहिए या कोई भी चीज़ चाहिए तो आपको इजीली आपको मिल जाएगा फ्रेंड, लेकिन अभी जो कॉस्ट हमारा है बहुत ही ज़्यादा लगेगा। लेकिन ये 3,500 से 4,000 के अंदर इतना बड़ा डिजिटल क्लॉक अप मैं बना के दे सकता हूँ, लेकिन और ही कम प्राइस करने के पे मैं रिसर्च कर रहा हूँ कि और कितना कम प्राइस में इसको किया जा सकता है 2,000-1,500, तो उसके ऊपर अभी काम चल रहा फ्रेंड। लेकिन अभी जो कॉस्ट हमारा बहुत ही ज़्यादा है, और कॉस्ट को कटौती करने के बाद ही आपको जो है लेटेस्ट प्राइस क्या होगा कम भी हो सकता है फ्रेंड। और डिजिटल क्लॉक को छोटा भी करूँगा जिससे कि कम प्राइस में अच्छी तरीके से बनाया जा सके, और जिसको इतना बड़ा डिजिटल क्लॉक चाहिए उसको इतना बड़ा डिजिटल क्लॉक आप ले सकते हैं फ्रेंड। तो बहुत ही मस्त क्वालिटी का डिजिटल क्लॉक हमने बनाया हूँ, और वीडियो देख के भी आप असेंबल कर सकते हैं, सर्किट बोर्ड हमसे परचेज कर सकते हैं, सारा चीज़ हमसे मिल जाएगा जो नहीं कर पाएंगे फ्रेंड। कोडिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, सर्किट डायग्राम सब भी दिया हुआ, वहाँ पर जाके आप ज्वाइन करें और सारा चीज़ का डिटेल आपको मिल जाएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहता है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे लेटेस्ट वीडियो आपको देखने को हमेशा मिलते रहे फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड तब तक के लिए बाय, फिर से एक नया वीडियो और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में फिर से मिलते हैं फ्रेंड।